हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में अनमोल वचन पुस्तक में आपका जो नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें 6th चैप्टर कंटिन्यू है, जादुई छड़ी। तो ये प्यारी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं बच्चों। आपने अभी तक तो पढ़ ली होगी, चलिए आइए फिर पढ़ लेते हैं एक बार। एक गांव की बात है बच्चों। एक गांव में रामधन, गोपाल, हरिया और धनुआ नाम के 4 भाई अलग अलग रहते थे। सभी निर्धन थे। रामधन के पास 8-10 मुर्गियाँ थीं जिनके अंडे बेचकर वो अपना गुजर बसर कर लेता था। रामधन रोज सुबह दाना चुगने के लिए मुर्गियों को दड़बे से निकालता था, शाम को उसमें वापस डाल देता था। एक शाम जब रामधन मुर्गियाँ पकड़कर अंदर डाल रहा था तो उसकी एक मुर्गी कम थी। उसने आसपास मुर्गी की खोज की परंतु उसकी मुर्गी नहीं मिली। दूसरे दिन भी उसकी एक मुर्गी और कम हो गई। रामधन मुर्गियों के ना मिलने से परेशान हो गया। उसने अपने पड़ोसी भाइयों से पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन भी रामधन की एक मुर्गी और कम हो गई। वह परेशान होकर काजी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। काजी ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? उसने अपने भाइयों की तरफ इशारा किया। काजी ने उसके तीनों भाइयों को भी दरबार में आने का आदेश दिया। अगले दिन चारों भाई काजी के दरबार में उपस्थित हुए। काजी ने तीनों से पूछताछ की। काफी देर बहस करने के बाद भी तीनों में से चोर का पता नहीं लग सका। काजी ने उनको दूसरे दिन आने को भेज दिया। अगले दिन चारों भाई फिर काजी के पास दरबार में उपस्थित हुए। काजी ने रामधन को छोड़कर तीनों भाइयों से कहा, इस कमरे में मेज पर जादुई छड़ी रखी है। तुम तीनों को उस छड़ी को छूकर आना है। जैसे ही इस छड़ी को चोर हाथ लगाएगा, वह उसकी पिटाई करना शुरू कर देगी। जब तक मैं इस छड़ी को रोकने का आदेश नहीं दूंगा, तब तक वो उस चोर की पिटाई करती रहेगी। इस तरह असली चोर का पता लग जाएगा। काजी ने बारी बारी से उन तीनों को अंदर भेजा। उनमें से दो भाई उससे छूकर आ गए। तीसरा भाई धनुआ चोर था। जब वो कमरे में गया तो डर गया। उसने इधर उधर देखा, कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा, यदि मैं इसे बिना छुए बाहर चला जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। वह उसे बिना हाथ लगाए ही बाहर आ गया। तीनों भाइयों को सही सलामत देखकर सभी उन्हें निर्दोष मान रहे थे। काजी ने तीनों को बारी बारी से अपने पास बुलाया। उसने तीनों के हाथ सूंघे और धनुआ को अपने पास रोक लिया। उसने कहा, तुम अपराध कबूल करते हो या मैं अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करूं? चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सभी उपस्थित लोगों ने काजी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वही चोर है? आपको कैसे पता चला कि वही चोर है? काजी ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि चोर के मन में पकड़े जाने के भय से ही चोर का पता लग सका। कमरे में रखी छड़ी तो साधारण है, मैंने तो इस पर इत्र लगा रखा था। उन दोनों भाइयों ने तो इसे छुआ, परंतु इस चोर ने पकड़े जाने के भय से उसे नहीं छुआ। जिससे उन दोनों के हाथ में इत्र की खुशबू थी, पर इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं आ रही थी। बस इसी वजह से ये पकड़ा गया। चोरी करना पाप है, ये मनुष्य को डरपोक बना देती है। झूठ सच के सामने अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। जीवन मूल्य है बच्चों इसका। हमें दूसरों की वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आशा है आप लोग कर लेंगे।